वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ काजल गुप्ता। हाँ, ये मुझे पता है कि ये वीडियो Q&A का है, पर उसके पहले बहुत सीरियस बातें करनी है मुझे, तो चलिए उस पर बात करते हैं। मुझे पता है कि सबको पता है कि मैं APU की स्टूडेंट हूँ और करेंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ और BSc मैथमेटिक्स मेरा मेजर है। तो हर चीज़ के दो रंग होते हैं और आप सबको पता होगा। तो भले APU बहुत अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, मुझे पता नहीं किस वर्ड में रखा जाए, बट अच्छे जगह पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम ये है सेफ्टी। सेफ्टी कंसर्न्स एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है एट एवरी प्लेस एट एवरी टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मुझे पता है कि इस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, हमारे फैकल्टी सीनियर्स वगैरह वगैरह, बट मुझे भी इसमें बहुत सारा एफर्ट डालना है, क्रिएटिव बनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनना है, ये प्रॉब्लम्स को रेज करके और मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। इसीलिए मैं एक टीम बिल्ड कर रही हूँ। तो आई वॉन्ट पीपल जो इंटरेस्टेड है, जहाँ पर हम वहाँ पर रिसर्च करेंगे, कंटेंट रेडी करेंगे और बारीकी से हम ये प्रॉब्लम को देखेंगे और उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इफ यू आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सच प्रोजेक्ट्स एंड लेट्स कनेक्ट एंड लेट्स डू समथिंग ग्रेट इन दिस फील्ड, राइट? तो अब भाई आ गया वीडियो को शुरू करने के लिए, Q&A सेशन शुरू करने का। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट डाउन किया है और उसको चलिए आंसर करते हैं। को जानी कैसे, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी और मेरे स्पीच फंडा के टीचर थे जो मुझे 10th के पहले पढ़ाए थे, तो वो एम ए इन डेवलपमेंट कोर्स कर रहे थे APU में और वो APU को स्प्रेड कर रहे थे इन आर स्कूल इन आर बैच स्पेसिफिकली कि APU में अप्लाई करो एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। सो इसीलिए हमारे स्कूल में से कुछ बच्चे अप्लाई किए एंड दैट्स हाउ आई नो अबाउट APU। सो एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जिस दिन मैंने APU को जाना, उस दिन ऐसा लगा ना ये मेरे लिए है, कॉलेज मेरे लिए ही बना है भाई। बस मुझे उस वक्त से APU में आना तो आना ही था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ प्रॉपरली बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीज़न, मुझे गांव जाना पड़ गया। तो फिर मेरा होप थोड़ा कम हो गया कि मैं अप्लाई करूं कि नहीं, बिकॉज़ 1 ईयर का गैप हो गया। तो नहीं, अगेन मेरे भैया ने कॉल किया जो मेरे टीचर हैं कि सिंगा की 1 ईयर कुछ नहीं है काजल, बिकॉज यू आर गेटिंग मच बेटर अपॉर्चुनिटीज दैन वॉट एवर कॉलेज आई वॉज इन। सो इसीलिए मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया एंड सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने एग्जामिनेशन क्रैक किया, बट इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ। एंड टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन, तो मेरे भैया ने जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे ट्रेन किया था, वो मुझे शीट्स देते थे प्रैक्टिस करने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के, कॉम्प्रीहेंशंस के। सो जिस तरह से उन्होंने मुझे प्रैक्टिस में डाला हैबिटली, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई एंड दैट वे आई कुड क्रैक एग्ज़ाम ऑल्सो। भले एंट्रेंस हो गया बट इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो वो भी एक लूज आउट था कि इस बार भी नहीं हुआ। बट नहीं, APU का 2 टाइम अटैम्प्ट होते हैं एक साल में, तो मैंने सेकेंड अटैम्प्ट वापस अप्लाई किया और उसमें भी मैंने एंट्रेंस क्रैक किया और फिर सेकेंड इंटरव्यू बचा था एंड आई वॉज वेरी नर्वस। बट नहीं, मैं इस बार फुल कॉन्फिडेंस से थी कि नहीं, आई विल गेट थ्रू दिस एज वेल। एंड मानोगे नहीं आप ये बात कि उतना अच्छा इंटरव्यू गया था ना कि पूछिए मत, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वो इंटरव्यू में बैठी हूँ, ऐसा लगा कि वो टीचर और मेरे बीच में एक कॉन्वर्जेशन चल रही है बस। एंड वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं हुआ एंड आई थिंक मैं ग्रैटिट्यूड ये फैकल्टी मेम्बर्स को ही दूंगी, बिकॉज दे पुट दैट एफर्ट टू मेक अस वेरी कंफर्टेबल इन दैट इंटरव्यू जोन। तो दैट वाज रियली नाइस अबाउट दैट। इससे पैरेलली एक और क्वेश्चन आया था कि चैट बॉक्स में कि किसी को अप्लाई करना है APU में तो वो कैसे करें और सेकेंड एंट्रेंस एंड इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। कभी भी आप टच में रहिए वेबसाइट के कि कब फॉर्म निकल रहा है, किस बारे में फॉर्म निकल रहा है, कौन से कोर्स के डिटेल्स आपको अप्लाई करना है। और प्रिपरेशन की बात की जाए तो मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पर और ई मेल में पूछा है कि हम APU के लिए प्रिपेयर कैसे करें एंट्रेंस के लिए और मेजरली इंटरव्यू। एंट्रेंस तो बहुत लोग से हो जाता, तो इंटरव्यू के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए इंटरव्यू नहीं होता है, ये कॉन्वर्सेशन होता है आप और वो फैकल्टी मेंबर के बीच, जहाँ पे वो कोशिश करते हैं आपका इंटरेस्ट जानने का। तो डोंट बी अफ्रेड, जो ट्रुथ है वो बोलिए, अपने पर विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। तो मेजर वाइज जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मेजरली आपको बहुत डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने पड़ते हैं, जैसे कि मैथ के लिए
आपको एक क्वेश्चन किया जाएगा और इन आउट जो भी आपको पता है आप उसको आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में लिख के ख़त्म किया, राइट। पूरा एक्सप्लेन करिए प्रोसेस को, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और जस्ट अपने पे विश्वास रखिए और अपना बेस्ट दीजिए, राइट। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था मुझे कि मेरा लर्निंग जर्नी क्या रहा है यूट्यूब के लिए, तो लगभग एक साल से ज़्यादा हो गए हैं और 200 सब्सक्राइबर्स प्लस हो गए हैं, तो मैं एक चीज़ बहुत कोरली सीखी हूँ यूट्यूब पे काम करने के लिए कि यू नो मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जब मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ तो चीज़ें दिखती है मुझे, रिफ्लेक्ट होती है, बट जब मैं कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ तो वो भी दिखती है मुझे कि क्यों नहीं हूँ और क्या नहीं है और किस वजह से मैं वो पोस्टपोन कर रही हूँ चीज़ें। तो जब आप वो कमिटमेंट करते हैं ना, और जब वो कमिटमेंट को पूरा करते हैं ना, तो वो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। एक और चीज़ मैंने सीखा है कि यू नो उसको व्लॉग या फिर वीडियो को बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है। वो एक इंडिविजुअल का मेहनत या फिर टीम का मेहनत वो अलग, वो छोड़ दीजिए। अगर आप व्लॉग बना रहे हो, आपको कितने लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है कि उनका परमिशन के अगेंस्ट हम व्लॉग डालें ना, तो वो भी मैंने एक सीखा है। कभी कभार मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील करती हूँ विद माई थाट्स एंड बहुत ज़्यादा। सो मैं कभी कभार क्या करती हूँ, मैं व्लॉग शूट करते करते बहुत कुछ अपने फीलिंग्स ड्रॉप आउट कर देती हूँ कि यार ऐसा लगता है कोई है मेरा सुनने के लिए, ऐसा कोई नहीं, ये कैमरा है मेरे लिए सुनने के लिए। तो यस, यूट्यूब जर्नी बहुत फ्रूटफुल रही है इन टर्म्स ऑफ टीचिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग। हाँ, टेक्निकल थिंग्स जैसे कि एडिटिंग एंड शूट्स एंड वगैरह मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करना चाहूँगी। और I have to put one video, at least one video every week. And bear karna mere saath ki aapko har hafte ek video to milega hi pakka. To ab baat karte hain APU ki journey, to aapko pata chal jayega meri experiences through my vlogs. तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की बात ही नहीं है, बट ये बोलूँगी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एंड आई फील सो लकी कि मैं APU में आ गई हूँ। मेरे ड्रीम कॉलेज, एक जो विजन रखा था वो मुझे APU में दिख गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, भैया, टीचर्स, पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को एंड जो लोग ने सपोर्ट किया है मुझे APU में लाने के लिए। एंड डीप ग्रैटिट्यूड टू फैकल्टी, असीम प्रेम जी जिन्होंने ये एफर्ट डाला है, मुझे ये बहुत बड़ा हेल्प लगा है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बॉन्ड्स बनाए यहाँ पे स्टूडेंट्स फैकल्टी के, तो छोड़ दीजिए वो तो होंगे ही, पक्का होंगे, बट जो अकाज है, जो क्लीनिंग स्टाफ है यहाँ पे, जो लिफ्ट के स्टाफ है, सबके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना लिया है ना कि ऐसा लगता है ये फैमिली बन गया मेरा। मैं घर चले जाऊँगी तो कैंपस की बहुत याद आती। मैंने देखा है यहाँ पे फैकल्टी, जो भी कमेटी रहती है, बहुत मेहनत करती दिन रात, अपना जी जान डाल देती हैं हर चीज़ को बेटर बनाने के लिए। तो उसी के लिए मुझे भी ये एफर्ट डालना है अबाउट सेफ्टी कंसर्न्स, एंड इसीलिए मुझे एक टीम की ज़रूरत है। चाहूँगी, आई एम वेरी श्योर कि बहुत लोग इस चीज़ों पे काम करना पसंद करेंगे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज हमें पता नहीं कि वो मेंटली वो पर्सन कितना टॉर्चर कर रहा है अपने आप को अबाउट विद दैट थॉट, विद दैट एक्सपीरियंस। ओ माई गॉड, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। APU की बात नहीं करें तो मतलब कहीं और किया है ऐसा एक्सपीरियंसेस, तो वो एक्सपीरियंस APU में ना हो, इसीलिए मुझे ये रन करना है एंड वी कैन वर्क टुगेदर एंड लेट्स कैच अप ऑन इंस्टाग्राम। एंड बस ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग सपोर्ट। एंड हाँ, आपको बताएंगे कि हम वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे थे और उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आप लोग प्रिपेयर रहें उन चीज़ों के लिए। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कोई और हमें मदद नहीं करने आएगा। तो चलिए एक टीम बनाते हैं और लेट्स डू समथिंग ग्रेट इन दिस जर्नी एंड लेट्स मेक पीपल फील सेफ। ये एक सॉन्ग है ना, हील द वर्ल्ड, राइट, लेट्स मेक अ बेटर प्लेस एंड अ बेटर वर्ल्ड। लेट्स रियली पुट इन एक्शन, उसको वर्ड्स को एक्शन में लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है।
अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाली है जो सोशल एंटरप्राइज सेल मेला के बारे में आएगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।